उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र प्रताप शाही ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं को प्रायः घटित होने से रोका नहीं जा सकता, परंतु कुशल प्रबंधन, पूर्व तैयारी तथा आम जनमानस के बीच आपदाओं से निपटने के लिए क्या करें क्या ना करें का व्यापक प्रचार प्रसार होने से जनधन की हानि को कम किया जा सकता है। प्रदेश में आपदा के कारण होने वाली जन हानि को कम करने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण प्रदेश की जनता को आपदा से बचाव के लिए जागरूक बनाने एवं राहत पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। उक्त बातें श्री शाही ने सर्किट हाउस में मानसून एवं संभावित बाढ़ के दृष्टिगत विभिन्न विभागों द्वारा बाढ़ प्रबंधन के संबंध में की गई तैयारियों की समीक्षा बैठक करते हुए कही। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाढ़ बचाव से संबंधित अधिकारीगण आपसी समन्वय बनाकर प्राथमिकता के आधार पर बाढ़ बचाव कार्यों को पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि बाढ़ बचाव संबंधित जन जागरूकता लाई जाए, हर बाढ़ प्रभावित गांव में वॉलंटियर रखे जाएं और राहत शिविर में मैप तैयार किया जाए तथा मंडल राहत शिविरों का जनपद में वरिष्ठ अधिकारियों निरीक्षण करते रहें। श्री शाही ने यह भी कहा कि दुधारू पशुओं जैसे गाय भैंस आदि के बाढ़ में बह जाने की स्थिति में शासन द्वारा अनुमन्य राहत राशि समय से पशुपालक को उपलब्ध करा दी जाए। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि वे गांववार पशुपालकों के नाम पता सहित पशुओं की संख्या का रजिस्टर मेंटेन करें और उसका सत्यापन भी कराएं। बाढ़ चौकियों को सशक्त किया जाए तथा बंधों की मरम्मत अनुरक्षण कार्य बेहतर ढंग से कराए जाएं। बाढ़ प्रभावित गाँव को राहत 24 घंटे के अंदर उपलब्ध करा दी जाए तथा बाढ़ के समय लेखपाल एवं ग्राम स्तरीय कर्मी गांव में रहें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी विधान जायसवाल ने बाढ़ बचाव संबंधी तैयारियों को प्रस्तुत करते हुए बताया कि जनपद में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, बाढ़ चौकियां, राहत केंद्र, नाव एवं मोटर बोट की व्यवस्था तथा क्लाइमेट सेल एवं क्लाइमेट चेंज कमेटी का गठन किया गया है। इसके साथ ही नाव सत्यापन कमेटी भी गठित की गई है। उन्होंने उपाध्यक्ष को आश्वस्त किया कि उनके निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। जिला समन्वयक गौतम गुप्ता ने स्लाइड के माध्यम से तैयारियों का प्रस्तुतिकरण किया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आप एक दूसरे को मार्ग दर्शन
उसे काम करवाई तब उनको एक अपने उसको ब्रिंग हो जाए कि सवाल कर रहा है नेचुरल चीज आ जाए 2018 में और इस साल सर अभी तक जो सबसे हाईएस्ट लेवल उसने टच किया है वो 92.61 सर अभी तक ये रिवर पहुंची है अभी तो वर्तमान में सर इससे भी डाउन चल रही है जो मुद्दी बात में सर वो है वो 64.01 इसका सर डेंजर लेवल है और 1998 में सर ये 65.01 जो रहा सर ये 2017 में 21 अगस्त को रहा और 2018 में सर ये 64.66 तक ये पहुंचा रहा और उनके कहने मतलब है कि अगर कुछ सरकार की तरफ से आपकी सहायता मिल जाएगी तो उसको थोड़ा बेहतर कर पाएंगे तो आपसे आज तक जिस घर पर नहीं वहाँ कहीं पैसा रुका नहीं है आपको तो मुझे अगर ऐसा सोच है जो आप करना चाहते हैं तो आप प्रोजेक्ट भेजिए पैसा आ जाएगा आपको एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर या कम से कम एक प्रिंसिपल अप्रूवल आ जाएगा प्रिंसिपल अप्रूवल आएगा तो सरकार तो आता रहेगा।